तो फाइनली हमने एक क्लासिफिकेशन सीख लिया, अब चलेंगे हम दूसरे किसी क्लासिफिकेशन की तरफ। आज हमें कुछ ऐसे क्लासिफिकेशन करने हैं जो हमने पहले ही पढ़ा है, पहले भी समझा है, बट उसको लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आई मीन टू से आज हमें उन्हीं वर्ड्स को क्लासिफाई करना है असेट्स, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंडिचर के नाम पे। यही वर्ड्स हमने ऑलरेडी क्लासिफाई सीखा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। आज हम सीखेंगे कि इनमें से कौन सा पार्ट असेट में, कौन सा पार्ट लाइबिलिटी में, किसको हम इनकम और किसको हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम में पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाए, कम से कम 5 से 10 मार्क के लिए। चलिए फिर देखते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है और हम कैसे किसको असेट्स, कैसे किसको हम लाइबिलिटी वगैरह हम कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं असेट्स के बारे में। हमने इस पर सेपरेट वीडियोज बना के रखा हुआ है ऑलरेडी कि असेट किसको कहते हैं, कितने टाइप के असेट्स होते हैं ऑल। बट एक शॉर्ट में समझाना चाहूं मैं तो असेट मतलब सर जिस चीज पे हमारा खुद का मालिकाना हक होगा, जो हमारा खुद का है सर, उसको हम कहेंगे असेट्स। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे ये सेल फोन मेरे लिए मेरा असेट, क्योंकि मेरा खुद का है, सच बता रहा हूं। ओके, लाइबिलिटी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लोन, बोरोविंग्स, पेबल अमाउंट, जो भी किसी को कुछ पे करना बाकी है, हमने किसी कुछ उधारी लिया है, दैट ऑल कॉल्ड एज सर लाइबिलिटीज। इनकम देखो यार बड़ा सिंपल है, पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंडिचर, लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर कैटेगरी में डाल देंगे हम लोग। चलिए समझते हैं वन बाय वन। हम लोग देखिए सबसे पहला वर्ड है प्रीपेड रेंट। अब अगेन बड़ा कंफ्यूजन तुमसे होने वाला है कि तुम बोलोगे सर ये पर्सनल, क्योंकि प्रीपेड वर्ड है, लेकिन मैं कहूंगा तुम लोग रॉन्ग हो। क्यों? क्योंकि इधर हम लोग पर्सनल, रियल, नॉमिनल नहीं कर रहे हैं, इधर हम लोग असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम कर रहे हैं। तो अब जरा समझिए इसका मतलब, प्रीपेड रेंट का मतलब क्या है। प्रीपेड, प्रीपेड पहले ही पे कर दिया हमने रेंट, हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करके रखा हुआ है। जब हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है मतलब हमारा पैसा किसी और के पास है, तो बताइए आपके लिए क्या कहलाएगा। तो ऐसे चीज को हम कहते हैं असेट्स। क्या कहते हैं? असेट्स। हमने एक्स्ट्रा पे किया है, हमारे लिए क्या रहेगा, वो असेट्स। नेक्स्ट है मोटर कार, गाड़ी। गाड़ी सर हमारे पास हमारा खुद का गाड़ी है, टेलीफोन था वैसे हमारे पास खुद का गाड़ी है, गाड़ी क्या होगा अपने लिए, अगेन असेट्स। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, याद है गुडविल, ये सब हमारे लिए असेट्स होता है। प्रीवियस वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, प्रीमाइसिस, जगह, प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे लिए, असेट्स होता है सर। सैलरी, अब बड़ा कंफ्यूजन ये है कि बच्चे सोचेंगे सर ये सैलरी में मिल रहा है कि हम किसी को पे कर रहे हैं। अरे कभी तो बड़े इंसान बन के सोचो, हम बीके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सॉल्व कर रहे हैं, तो थिंक एज अ ओनर, थिंक एज अ बिजनेस, नाउ वी आर पेइंग टू समवन। तो सर एक तरह का अपने लिए खर्चा हुआ, दैट इज एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस के लिए मैं ई वर्ड लिखता हूं। रेंट पेएबल, अरे पेएबल, पे करना बाकी है, पे नहीं किया, पे करना बाकी है, और जो चीज पे करना बाकी होता है पेएबल है, पे करना बाकी है उधारी है, इट्स कॉल्ड एज लाइबिलिटीज। क्या होगा? लाइबिलिटीज। नेक्स्ट वन, इंटरेस्ट रिसीव्ड, मैंने प्रीवियस वीडियो समझाया था, रिसीव्ड मिल गया इनकम, रिसीवेबल मिलना बाकी है तो असेट्स, रिसीवेबल मिलना बाकी होगा तो असेट्स, मिल गया तो इनकम। इस क्वेश्चन में रिसीव्ड है, मिल गया तो क्या रहेगा, इनकम। इंश्योरेंस प्रीमियम, हम पे करते हैं, ये खर्चा होगा फिलहाल के लिए, एक्सपेंडिचर। बैंक से लोन लिया है, अभी बताओ लोन किसमें आएगा, अब ये रॉन्ग बताना तुम लोग, इस कैमरे के अंदर घुस के पीटूंगा तुमको मैं, बताओ लोन लिया है क्या लोन एसेट्स होगा? नहीं सर, हमने लोन लिया है, दिल दुखेगा हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए। कर्जा है, कर्जा किसको बोलते हैं, लाइबिलिटीज को सर, इसका आंसर है लाइबिलिटीज। बैड डेट्स क्या होता है, इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर, ऐसा इंसान जिसने हमारा पैसा डुबा दिया, नहीं दिया सर पैसा, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। अरे ये तो लॉस एक्सपेंस वाला पार्ट हो गया, हाँ तो ये फिलहाल मैं इसको एक्सपेंडिचर में दिखाऊंगा। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड क्या होता है, जब जब मैं शेयर मार्केट में, शेयर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ ना, तो उसके रिटर्न में मुझे इंटरेस्ट जैसे मिलता है ना एफडी में, वैसे इसमें डिविडेंड मिलता है सर, डिविडेंड मिलता है, मिलता है, मिलता है, मिल रहा है, मिल रहा है, पैसा आ रहा है, फायदा हो रहा है, किसमें आएगा, इनकम। अगर ये वर्ड रिसीवेबल होता तो कहां पे आता, असेट्स में आता। ऑडिट फीस मैंने समझाया था, आपने अकाउंट बनाया हुआ है, एक इंसान आएगा चेक करने के लिए सही है गलत है, फुकट में आएगा नहीं, पेमेंट करना पड़ेगा, खर्चा होगा, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर।
ये हमने इलस्ट्रेशन ऑफ फोर्थ आपके स्टडी मटेरियल को टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 से कर लिया। एक और क्वेश्चन करेंगे तो आपका ये क्लासिफिकेशन खत्म। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो कोई और लेक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है, इतने में आपको क्लासिफाई असेट लाइबिलिटी इनकम वाला कवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है इनको रफ कर दिया जाए, मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है आप लोग कॉपी करोगे। लैंड बिल्डिंग जमीन इमारत, हाँ बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग जमीन इमारत क्या होगा, असेट्स होगा लाइबिलिटी होगा कि इनकम के एक्सपेंडिचर? डेफिनेटली जिस घर में हम रहते हैं हमारे लिए हमारा असेट्स है। होता क्या है सर, सर सुनो सर सुनो सर, जिससे पैसा आने वाला है उसको हम डेटर्स बोलते हैं, जिसको पेमेंट करना बाकी है उसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। पेमेंट करना बाकी है क्रेडिटर्स बोलते हैं, पे करना बाकी है मतलब उधारी है और उधारी मतलब सर लाइबिलिटी। डेटर्स आ गया सेम क्वेश्चन, पैसा मिलने वाला है आने वाला है तो सर असेट्स होगा। डिस्काउंट रिसीप्ट, मैंने डेटर्स क्रेडिटर्स का सेपरेट जो वीडियो बनाया है वहां पर मैंने एक्सप्लेन किया है कि डेटर्स एसेट क्यों और क्रेडिटर्स लाइबिलिटी क्यों और विथ करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी के साथ में। नेक्स्ट वन डिस्काउंट रिसीप्ट, मिल गया डिस्काउंट मिला फायदा तो इनकम। इंटरेस्ट ऑन एफडी, अगेन एफडी फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिला इनकम। प्रिंटिंग स्टेशनरी खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर, रिपेयर कर रहा हूं मेंटेनेंस के लिए पेमेंट करूंगा तो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर। कमीशन रिसीव्ड, वर्ड रिसीव्ड रे, रिसीव्ड मतलब इनकम, मिला मतलब इनकम। कॉपीराइट में समझा दिया ऑलरेडी, लैंडमार्क ट्रेडमार्क कॉपीराइट गुडविल पैटेंट ये सब अपने लिए असेट्स होता है। असेट मतलब जो हमारी खुद की चीज है। अगेन रिसीव्ड है तो किसमें आना चाहिए बोलो, किसमें आएगा? चार ऑप्शन है, असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर इनकम। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स अगेन वर्ड है रिसीवेबल, मिलने वाला है मिला नहीं है, मिल गया होता तो इनकम, मिलने वाला है तो असेट्स क्योंकि हमारा पैसा किसी और के पास है। गुडविल अभी समझाया मैंने, असेट्स। पेबल, पे करना बाकी है अगेन उधारी कर्जा मतलब लाइबिलिटीज, वेरी गुड। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में पैसा नहीं है बट करेंट अकाउंट होल्डर को एक फैसिलिटी मिलता है कि बैंक में पैसा ना होने के बावजूद आप निकाल सकते हो, एक लिमिट एंड ऑल होता है, एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन होता है, लोन होता है मैंने कहा लोन होता है। लोन कहाँ पे आता है? लाइबिलिटी में। कैश एट बैंक, बैंक में बहुत पैसा है भर भर के, तो क्या रहेगा? असेट्स रहेगा। कैरिज सर खर्चा होता है एक्सपेंडिचर, बैंक से लोन फिर से लोन आया रे, लोन मतलब लाइबिलिटी। कंप्यूटर, कंप्यूटर अपने लिए असेट्स होता है सर। डिस्काउंट अलाउड, अलाउड मतलब हमने किसी को डिस्काउंट दिया, अपने दिल पे दर्द होगा खर्चा हुआ, दैट इज एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर। अमित कैपिटल, कैपिटल वर्ड है सिंपल सा, कैपिटल में ही आएगा नो डाउट, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। अच्छा दिख नहीं रहा है, रुक जाओ अभी दिख रहा है। लाइफ स्टॉक कहा था मैंने, एनिमल जानवर सर अपने लिए असेट्स होता है। रिसीव्ड मिल गया, मिल गया मिल गया मिल गया मतलब इनकम, अगर मिलने वाला होता तो असेट्स है, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग रेंट, पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट पे करना बाकी है, उधारी कर्जा, कर्जा मतलब लाइबिलिटी सर। इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो इतना रिकॉर्डिंग हो रहा है हाँ इसको तुम लाइक करते नहीं वीडियो, गलत बात है, तो जो रिकॉर्डिंग हो रहा है जो लाइट बिल आएगा पे करना पड़ेगा तो मेरे लिए खर्चा होगा, एक्सपेंस कहाँ पर आएगा? एक्सपेंस कहाँ पर आएगा? एक्सपेंडिचर, दैट्स इट। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, अदरवाइज फर्स्ट लैंड बिल्डिंग लिखा, आंसर असेट फुल फॉर्म लिखने का, ठीक है। तो ये हमने क्लासिफिकेशन अकाउंट भी कर लिया, ये इलस्ट्रेशन नंबर 5th था, इसके पहले हमने इलस्ट्रेशन नंबर 4th कवर किया, ठीक है। इतने के साथ में आपका ये असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर कैपिटल डन। सेम वर्ड अगर आपको क्वेश्चन पूछा है असेट लाइबिलिटी इनकम में तो वो बताने का, सेम वर्ड अगर आपको पूछा है पर्सनल रियल नॉर्मल तो उसे बताने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पूछा है स्टेशनरी तो स्टेशनरी इसमें एक्सपेंडिचर में आता है और पर्सनल रियल नॉमिनल में नॉमिनल में आता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया है। अब मिलेंगे कोई और वीडियो कोई और लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, पांडा सर को याद करते रहिए और सारी वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।